वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर PDF लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की कुछ का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GIIS ने भारत का पहला स्मार्ट स्कूल किस स्थान पर शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए, सिंगापुर में मुख्यालय वाला ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल यानी कि GIIS पुणे में हाल ही में भारत का पहला स्मार्ट परिसर शुरू करेगा। और स्मार्ट परिसर में शिक्षा विज्ञान परिसर के उपयोग के साथ छात्रों के लिए सीखने की परिणामों को बढ़ाने की ओर भविष्य के लिए छात्रों को तैयार करने की इसमें विशेषताएं रहेगी। साथ ही भारत में पहली बार GIIS स्कूल स्तर पर स्पोर्ट्स एनालिटिक्स की भी शुरुआत करेगा, राइट? तो आप ध्यान रखेंगे सिंगापुर में जो जिसका मुख्यालय है ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, इसका जो भारत में पहला स्मार्ट स्कूल शुरू किया जाएगा वो पुणे में होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसरो वर्ष 2020 तक कौन सा सौर मिशन लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्य L1, ऑप्शन ए सही होगा। तो चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो अब वर्ष 2020 तक आदित्य L1 नामक अपने सौर मिशन को लॉन्च करना चाहता है। और आदित्य L1 और सौर कार्यक्रम सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा जो मूल रूप से बाहरी परतें हैं, और मिशन पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन को समझने और अनुमान लगाने का भी प्रयास करेगा। आदित्य L1 उपग्रहों को पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन दूरी पर एक प्रक्षोभ मंडल की कक्षा में डाला जाएगा, ठीक है? तो ये काम कौन करेगा? इसरो, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में किस कंपनी ने डिजिटल उत्पाद अनुपालन लैब लॉन्च किया है? तो इसका आंसर रहेगा विप्रो, ऑप्शन ए सही होगा। तो 24 जुलाई 2019 को IT प्रमुख कंपनी विप्रो ने हैदराबाद में अपनी वैश्विक डिजिटल उत्पाद अनुपालन प्रयोगशाला शुरू करने की घोषणा की है। और ये प्रयोगशाला उद्योगों में ग्राहकों के लिए विश्वसनीयता, सुरक्षा और रक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत डिजिटल उत्पाद परीक्षण सेवाओं की पेशकश करेगी। और नई प्रयोगशाला उत्पादों के परीक्षण के लिए डिज़ाइन किए गए पर्यावरण कक्षों से सुसज्जित भी है, ठीक है? तो आपका थर्ड क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में बैंकिंग ढांचा उत्कर्ष 2022 किसने शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है RBI, ऑप्शन सी सही होगा। तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 23 जुलाई 2019 को केंद्रीय बैंकों की मध्यम अवधि की रणनीति के तहत उत्कर्ष 2022 लॉन्च किया है। और RBI के जनादेश के प्रदर्शन में उत्कृष्टता प्राप्त करने और नागरिकों तथा अन्य संस्थानों की विश्वास को मजबूत करने हेतु इस रूपरेखा की शुरुआत की गई है। और रणनीतिक ढांचे में RBI का मिशन, मूल उद्देश्य और मूल दृष्टिकथन इसमें शामिल है, ठीक है? तो आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सार्क व्यापार पर, सार्क देखिए एक मछली होती है, तो उसके व्यापार पर वैश्विक बैठक की मेजबानी कहाँ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्ची, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए 24 जुलाई 2019 को कोच्ची में सार्क व्यापार पर 4 दिवसीय बैठक, विशेषज्ञ बैठक आयोजित की गई। और बैठक का उद्देश्य गहरे ज्ञान के अंतराल को दूर करना और दुनिया भर में मौजूदा सार्क व रे मत्स्य की प्रबंधन का समर्थन करना है। और ये आयोजन खाद्य एवं कृषि संगठन और केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFRI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, राइट? तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस ट्रेन का दिल्ली से कटरा तक उत्तर रेलवे द्वारा ट्रायल किया गया? यहाँ पर आप ट्रायल कंसीडर करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है वंदे भारत, ऑप्शन ए सही होगा। तो भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल नई दिल्ली से कटरा तक चलाया गया, जिसका सफलतापूर्वक संचालन भारतीय रेलवे के उत्तर रेलवे जोन द्वारा किया गया।
और वंदे भारत का जो दूसरा ट्रायल है वो जुलाई 2019 के पहले कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था। और वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी अधिकतम जो गति है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे से ये चल सकती है। ठीक है, तो आपका सिक्स क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संचालन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए, देश में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PSBY के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है और 31 मार्च 2019 तक योजना के तहत कुल 101.95 करोड़ लोगों को बीमा कवर प्रदान किया गया। और ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PSBY योजना है, इसके तहत 18 से लेकर 70 वर्ष के बीच के लोगों को सालाना 12 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा का कवर मिलता है। राइट, तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में पानी के भीतर सैन्य संग्रहालय का अनावरण कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जॉर्डन, ऑप्शन सी सही होगा। तो जॉर्डन के अकाबा के तट पर अपना पहला पानी के भीतर सैन्य संग्रहालय का अनावरण किया गया है और लाल सागर में एक कोरल रीफ में टैंक, टुकड़ी वाहन और एक हेलीकॉप्टर सहित वाहनों की एक लड़ाई के गठन की नकल करते हुए इसमें तैनात किए गए हैं। अकाबा जॉर्डन का अकेला बंदरगाह शहर है और गोताखोरों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य स्थल है। राइट, तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में कब संपन्न हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 जुलाई 2019, ऑप्शन बी सही होगा। तो भारत ने अन्य ब्रिक्स राष्ट्रों के साथ 27 जुलाई 2019 को ब्राज़ील में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान आतंकवादी क्षेत्रों के वित्त पोषण और उसके क्षेत्रों से आतंकवादी कार्रवाई को रोकने के लिए सभी राज्यों को बुलाया है। और भारत का प्रतिनिधित्व इसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वी के सिंह ने किया। ब्रिक्स में 5 राष्ट्र शामिल हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस देश ने हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान, ऑप्शन सी सही होगा। तो ईरान ने अपनी सीमाओं के अंदर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और ये मिसाइल SHAHAB-3 एक तरल ईंधन मध्यम दूरी का बैलिस्टिक हथियार है जो कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और नॉर्थ कोरियन मिसाइल से ये निकली, जिसे NODONG-1 कहा जा सकता है, ये 2000 किलोमीटर तक उड़ भी सकती है। राइट, तो ये आपका 10th क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ। ये रहे आज की वीडियो के top 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपने स्टडी किए। आगे देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में भारत में डेजन पॉपिक को किस खेल के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए टेबल टेनिस। और आज की क्विज का जो सवाल है वो है ICC की टेस्ट रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज नंबर 1 पर बरकरार है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी बाबर आजम, ऑप्शन सी स्टीवन स्मिथ या फिर उनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर करें। साथ ही साथ सभी PDF को एक साथ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें GS प्लेटफॉर्म को सर्च करके आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सभी PDF ईजिली आसानी से एक जगह पर मिल जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।